हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इन टू मैपिंग के बारे में। इनकी मैं डेफिनेशन विद एग्जांपल सरल और स्पष्ट शब्दों में आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑन टू मैपिंग के बारे में, वो क्या होती है। सपोज़ हमारे पास कोई मैपिंग है F, जो कि X से Y में जा रहा है, बी अ मैप। F को आप ऑन टू मैपिंग तभी बोल पाएंगे, F इज कॉल्ड ऑन टू मैपिंग इफ़ एवरी एलिमेंट इन Y हैज़ अ प्री इमेज इन X, कि प्रत्येक एलिमेंट जो Y में है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहे एक्स में, तभी आप एफ को ऑन टू मैपिंग बोल पाएंगे। देखिए, मैंने हमारे पास मैपिंग है, क्या कैसी मैपिंग है हमारे पास, वो मैपिंग है एफ, एक्स से वाई में मैपिंग है ना। तो देखिए, अगर एक्स में एक्स वन है तो वो मैपिंग के अकॉर्डिंग फंक्शन एक्स वन होकर क्या देगा, वाई वन देगा। एक्स टू है तो फंक्शन एक्स टू के अकॉर्डिंग वाई टू देगा, और एक्स थ्री है तो एफ एक्स थ्री आपको क्या देगा, सपोज कीजिए वाई थ्री देगा। तो x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y2 है, x3 की इमेज y3 है, यानी कि y1 की प्री इमेज x1 है, y2 की प्री इमेज x2 है, और y3 की प्री इमेज x3 है। यानी प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज, प्रत्येक एलिमेंट y की प्री इमेज x में एग्जिस्ट कर रही है, अर्थात ये जो मैपिंग है वो आपकी ऑन टू मैपिंग होगी। ओके, अच्छा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तभी आपको यही चीज़ बतानी होती है कि दोनों की जो वाई की प्री इमेज है वो एक्स में सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर आपको ये बताना होता है कि रेंज ऑफ डोमेन, इसका रेंज ऑफ को डोमेन ये बताना होता है। चलिए अब बात करते हैं इनटू मैपिंग की, वो क्या होती है। देखिए, हमारे पास कोई मैपिंग हम मान लेते हैं, लेट एफ जो मैपिंग है एक्स से वाई में बी ए मैप। एफ को आप इनटू मैपिंग तब बोलेंगे, F is called an into mapping or energetic mapping if there exist one element at least, कम से कम एक एलिमेंट तो हो ऐसा जो in y में, which has not a pre-image in x। देखिए, बात तो onto की जैसी ही होगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटेगी, वो क्या छोटेगी, देखिए अगर आपके पास कोई मैपिंग है, F मैपिंग है x से y में, x में एलिमेंट है x1, x2, x3, x4, और इधर देखिए x1 से आपको इमेज मिल रही है y1, x2 से इमेज मिल रही है आपकी y2, x3 से इमेज मिल रही है आपकी y3, और x4 से आपकी इमेज मिल रही है सपोज कीजिए y4, 5, और y4 आपका यहाँ पर छूट गया। तो देखिए, y1 की प्री इमेज x1 है, y2 की प्री इमेज x2 है, y3 की प्री इमेज x3 है, y5 की प्री इमेज x4 है, लेकिन y4 की प्री इमेज x में है ही नहीं, ये छूट गया। जब ये छूट गया, कम से कम एक से ज़्यादा भी छूट सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो छूटेगा ही छूटेगा। जब ऐसा आपका हो जाएगा तो इस तरह की मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कम से कम जो प्री इमेज होगी वाई में, एक तो छूटेगा ही छूटेगा, या फिर एक से ज़्यादा भी छूट सकता है। अब हम बात करेंगे वन वन एंड मैनी वन मैपिंग की विद एग्जाम्पल्स। तो वन वन मैपिंग क्या होगा, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। लेट आपके पास जो मैपिंग है एफ एक्स से वाई बी अ मैप। एफ इज कॉल्ड वन वन मैप इफ, आप उस मैपिंग एफ को वन वन तभी बोल पाएंगे जब, सपोज कीजिए एफ ए बराबर अगर एफ बी है, एफ आपका फंक्शन है, मैपिंग है, तो एफ ए बराबर अगर एफ बी है, जहाँ पर ये जो ए बी आर है ना, ये ए और बी वो मेंबर होंगे एक्स के। ये देखिए, आपके पास अगर कोई मैपिंग है एक्स से वाई में, और आपके अंदर जो ए बी एलिमेंट है, ए और बी जो एलिमेंट होंगे वो एक्स के होंगे। अगर एफ ए बराबर एफ बी है, इसका मतलब है कि वो तभी बराबर है जब वो एलिमेंट ही आपस में बराबर है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ए बराबर बी नहीं है, जो प्रत्येक ए बी बिलोंग कर रहा है एक्स में, अगर a बराबर b नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि फंक्शन a बराबर फंक्शन b भी नहीं होगा। तो
दो स्टेटमेंट में आप अपनी बात रख सकते हैं, या तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट में रख सकते हैं अपनी बात को, या फिर सेकंड स्टेटमेंट में। जब हम इसका एग्जांपल करेंगे अभी, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए मैंने लिया है, एग्जांपल क्या है, द मैपिंग जो हम ले रहे हैं फंक्शन आर टू आर में ले रहे हैं, गिवन बाई हमारे पास फंक्शन एक्स मैंने लिया है, फंक्शन एक्स को एक्स लिया है, और जो हमारी मैपिंग है वो आर से आर में हो रही है, और जो ये जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, आर में कर रहा है, इज वन वन एंड ऑन टू मैपिंग। इसे हमें दिखाना है कि ये वन वन और ऑन टू मैपिंग है। तो मैंने भी आपको बताया था कि अगर आपके दो मेंबर ले लें, सपोज ए और बी ले लेंगे, अगर उसकी फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल मानेंगे तो वो तभी इक्वल हो सकता है जब वो वेरिएबल आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी चीज़ को हमें दिखाना है फॉर वन वन, आप यहाँ लिख लेंगे फॉर वन वन मैपिंग। लिखने के बाद आप लिखेंगे लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर। ये लिखने के बाद तो हमें जो स्टेटमेंट होता है स्टैंडर्ड एक्स में स्टेटमेंट, वो क्या कहती है, अगर फंक्शन एक्स वन बराबर है फंक्शन एक्स टू के, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एक्स वन बराबर किसके हैं, एक्स टू के। और ज़रा ध्यान दीजिए, फंक्शन एक्स किसके इक्वल दे रखा है हमारे इस क्वेश्चन में, एक्स दे रखा है, तो एक्स की जगह पर एक्स वन आ जाएगा और एक्स टू यहाँ रख देंगे, और एक्स वन बराबर किसके आ गए हैं यहाँ पर, एक्स टू के। तो हम लेके चले थे फंक्शन एक्स वन बराबर फंक्शन एक्स टू, फंक्शन बराबर है तो हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन तभी बराबर है जब उसके वेरिएबल बराबर है। और ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये तो किसकी स्टेटमेंट होती है, ये होती है वन वन की, हैंस इट इज़ वन वन मैपिंग। यानी कि फंक्शन लेके चले थे बराबर, वो चीज़ तभी बराबर होगी जब उसके वेरिएबल बराबर होंगे। अब हमने वन वन तो दिखा दिया था, अब हम बात करते हैं उसी फंक्शन के ऑन टू के बारे में। देखिए हमारे पास फंक्शन एक्स क्या दे रखा था, एक्स, जब आपको ऑन टू प्रूफ करना होगा ना, तो फंक्शन एक्स को आप मान लीजिए वाई मान लेते हैं फंक्शन एक्स को, तो हमारे पास वाई बराबर एक्स दे रखा है, ओके। और हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो मैपिंग है वो आर से आर में है, ओके। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक्स में ये, और ये वाई है और मैपिंग इसके अंदर है एफ, तो देखिए अगर एक्स के जगह पर वन रखेंगे तो वाई भी वन आ जाएगा, एक्स के जगह पर टू रखेंगे तो वाई भी टू आ जाएगा, एक्स के जगह पर थ्री रखेंगे तो थ्री आ जाएगा। तो सबकी देखिए सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है एक्स में, वाई की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है एक्स में, यानी कि ये क्या है, ऑन टू है। और दूसरे स्टेटमेंट जो मैंने बोला था, देखिए ये भी रियल नंबर्स हैं और ये भी रियल नंबर्स हैं, यानी कि रेंज ऑफ जो डोमेन है वो रेंज ऑफ कोडोमेन के बराबर भी आ रहा है, यानी कि इस बेसिस पे भी आप इसे ऑन टू बोल सकते हैं। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि हैंस इट इज ऑन टू, तो वन वन भी है ये, ऑन टू भी है। चलिए अब हम बात करते हैं मैनी वन मैपिंग के बारे में, वो क्या होती है। तो लेट जो हमारे पास फंक्शन है मैपिंग है एफ, एक्स से वाई में जा रहा है बी ए मैप, एफ इज कॉल्ड अ मैप मैनी वन मैप इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन एक्स हैव द सेम एज इन वाई। इसका मतलब ये है कि एक्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो सेम इमेज देंगे किस में, वाई में। तो यानी कि अगर वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन उनकी इमेज सेम आएगी, तो इस केस में आप उसे क्या बोलेंगे, मैनी वन मैपिंग। इसका मतलब ये है कि अगर एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब हो सकता है कि इस कंडीशन में ए बराबर बी नहीं है लेकिन एफ ए बराबर एफ बी है, तो इसे हम बोलेंगे मैनी वन मैपिंग। अच्छा इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कहती है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसे मैं शो करके भी दिखाऊंगा। एग्जाम्पल है द मैप जो हमने लिया है एफ आर से आर प्लस में है, गिवन बाई जो फंक्शन एक्स हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ जो प्रत्येक एक्स बिलोंग करेगा आर में इज मैनी वन ऑन टू मैप। तो मैनी वन के बारे में बताता हूँ कैसे करेंगे आप। देखिए हमें फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग कर रहे हैं आर में, ओके रियल नंबर है। तो देखिए जब एक्स के जगह पर आप एक रखेंगे ना, एक रखिए, जब यहाँ पर एक रखेंगे तो एक का एफ वन यानी कि वन का स्क्वायर वो हमें क्या दे देगा, वन दे देगा। अब माइनस एक रख दिए क्योंकि ये भी रियल नंबर में आते हैं, माइनस वन रखेंगे यानी कि एफ माइनस वन यानी कि माइनस वन का स्क्वायर वो भी क्या दे रहा है, वन। देखिए ए और बी, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, वन है, बी हमारे पास माइनस वन है, ए और बी डिफरेंट है
लेकिन उनकी जो इमेज आ रही है वो सेम आ रही है ना, एफ वन बराबर है एफ माइनस वन के, लेकिन ए बराबर वन और माइनस वन आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी इमेज किसके बराबर है, वन के इक्वल है। यानी कि इस तरह की मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन मैपिंग बोलेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स क्लियर समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वॉइस थोड़ी आपको अजीब लगेगी, थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे आज बोलने में, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।